आप सभी को सादर प्रणाम। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आपकी बैठक में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल गेम्स 2022 में आज यानी कि 6 अक्टूबर के रिजल्ट्स की। तो शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां पर हमें सभी कैटेगरीज में फाइनल्स देखने को मिले। तो विमेन सिंगल्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है छत्तीसगढ़ की आकर्षि कश्यप ने, वहीं सिल्वर मेडल जीता है महाराष्ट्र की मालविका ने और ब्रॉन्ज मेडल जीता है उत्तराखंड की अदिति भट्ट और साथ ही साथ कर्नाटका की तान्या ने। मेन सिंगल्स की बात करते हैं तो गोल्ड जीता है तेलंगाना के साई प्रणीत ने, सिल्वर मेडल जीता है मिथुन मंजुनाथ ने जो कि कर्नाटका के हैं, वहीं ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है कर्नाटका की रघु ने और साथ ही साथ गुजरात के आर्यमन ने। अब बात करते हैं विमेन डबल्स की, जहां पर गोल्ड जीता है तेलंगाना ने, सिल्वर कर्नाटका ने और ब्रॉन्ज दिल्ली और केरला ने। मेन डबल्स के अंदर गोल्ड ले गया है केरला, सिल्वर तमिलनाडु और ब्रॉन्ज जीता है कर्नाटका और केरला ने। आखिर में बात करते हैं मिक्स डबल्स की, तो मिक्स डबल्स में गोल्ड मेडल जीता है कर्नाटका ने, सिल्वर दिल्ली ने और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है तमिलनाडु और केरला ने। अब बढ़ते हैं अगले स्पोर्ट की ओर, जो कि रहने वाला है बास्केटबॉल, जिसके भी हमें फाइनल्स देखने को मिले। मेन की बात करते हैं तो गोल्ड मेडल जीता है तमिलनाडु ने, सिल्वर मेडल जीता है पंजाब ने और ब्रॉन्ज सर्विसेज ने। वहीं विमेन के अंदर गोल्ड मेडल ले गया है तेलंगाना, सिल्वर तमिलनाडु और ब्रॉन्ज जीता है केरला ने। वहीं बात की जाए अगले स्पोर्ट की तो वो रहा स्विमिंग, जहां पर 100 मीटर बैक स्ट्रोक विमेन के अंदर गोल्ड जीता है गुजरात की माना पटेल ने, सिल्वर मेडल जीता है कर्नाटका की रिधिमा ने और ब्रॉन्ज जीता है महाराष्ट्र की पलक जोशी ने। वहीं मेन 200 मीटर फ्री स्टाइल की बात करते हैं तो गोल्ड मेडल जीता है कर्नाटका के अनीश गौड़ा ने, जिन्होंने अपनी रेस को 1:51.88 में फिनिश करते हुए नया नेशनल गेम्स रिकॉर्ड भी सेट किया है। वहीं सिल्वर मेडल जीता है केरला के साजन प्रकाश ने और ब्रॉन्ज जीता है दिल्ली के विशाल ने। अब बढ़ते हैं आर्चरी में, तो आर्चरी में रिकर्व के अंदर हमें सभी कैटेगरीज के फाइनल्स देखने को मिले। तो सबसे पहले मेन इंडिविजुअल की बात करते हैं तो गोल्ड मेडल जीता है वेस्ट बंगाल के अतानु दास ने, सिल्वर मेडल जीता है सर्विसेज के गुरुचरण ने और ब्रॉन्ज जीता है सर्विसेज के तरुणदीप राय ने। विमेन की बात करते हैं तो वहां पर गोल्ड मेडल जीता है हरियाणा की संगीता ने, सिल्वर मेडल जीता है झारखंड की अंशिका ने और ब्रॉन्ज जीता है पंजाब की सिमरनजीत कौर ने। अब बात करते हैं मेन टीम की, तो मेन रिकर्व टीम में गोल्ड मेडल जीता है हरियाणा ने, सिल्वर सर्विसेज और ब्रॉन्ज महाराष्ट्र। वहीं विमेन टीम के अंदर गोल्ड मेडल ले गया है हरियाणा, सिल्वर मेडल झारखंड और ब्रॉन्ज मेडल गुजरात ने। तो ये थे आज के दिन के हुए अभी तक के हुए अहम इवेंट्स के रिजल्ट्स। आज के दिन कुछ ज्यादा मेडल इवेंट्स नहीं थे, बाकी काफी सारे मैचेस चल रहे हैं, बॉक्सिंग खेला जा रहा है, गोल्फ भी स्टार्ट हो गया है, लेकिन आज एक लिमिटेड नंबर में ही मेडल इवेंट्स थे। अब आखिर में बात कर लेते हैं हम मेडल टैली की, तो मेडल टैली में हमें ऑलमोस्ट सेम मेडल टैली ही नजर आ रही है, स्टैंडिंग्स ऑलमोस्ट सेम है कल से अगर कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि टॉप कर रहा है सर्विसेज विद अ टोटल नंबर ऑफ 96 मेडल्स जिसमें से 41 गोल्ड है। वहीं नंबर दो पर बना हुआ है हरियाणा 72 मेडल्स के साथ जिसमें से 29 गोल्ड है। तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र 93 मेडल्स के साथ जिसमें से 24 गोल्ड। वहीं चौथे पर है तमिलनाडु 58 मेडल्स के साथ जिसमें से 19 गोल्ड है और वहीं पांचवे पर है उत्तर प्रदेश 43 मेडल्स के साथ जिसमें से 18 गोल्ड मेडल है। बाकी आप अपनी स्क्रीन्स पर जरूर देख पा रहे होंगे सिक्स और सारी स्टैंडिंग्स पूरी डिटेल्स के साथ कि कितने गोल्ड है, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज। तो चलिए फिर ये थी आज की वीडियो आप सभी के लिए, बाकी कल का शेड्यूल जैसा रहता है वो हम आप सभी के लिए कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर देंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट जानने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें और इसको जरूर सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।